हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली, सारे एग्ज़ाम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता रहेगा फ्रेंड। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड, आज चलते हैं ग्रैंड स्लम विनर्स जो कि वोमेन सिंगल्स की हैं, देखते हैं वे कौन हैं और ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्वेश्चन इनसे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड, ये 4 साल के ग्रैंड स्लम विनर वोमेन सिंगल्स हैं। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन 2017 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड। ऑप्शन 1 सिमोन हालेप, ऑप्शन नंबर 2 सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर 3 स्लोन स्टीफन, ऑप्शन नंबर 4 नाओमी ओसाका। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 2017 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हमारा पहला ग्रैंड स्लम होता है। दूसरा ग्रैंड स्लम कौन सा फ्रेंड होता है? फ्रेंच ओपन। तीसरा विंबलडन और चौथा फ्रेंड यूएस ओपन। ये 4 एक वर्ष में टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें के ग्रैंड स्लम कहा जाता है। याद रहेगा फ्रेंड, आपको ये याद रखना है इनका सीरियल भी, और आपको इनको कोर्ट भी याद रखना कौन से कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंड हार्ड कोर्ट में, और फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट में फ्रेंड, और विंबलडन ग्रास कोर्ट में, और अंतिम यूएस ओपन ये कहाँ खेला जाता है? ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 2017 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू सेरेना विलियम्स। तो फ्रेंड याद रखिएगा, 2017 का ऑस्ट्रेलियन ओपन सेरेना विलियम्स ने जीता था। ये कहाँ के फ्रेंड? तो ये यूएसए की बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, इन्होंने अब तक 23 ग्रैंड स्लम जीते हैं। याद रखिएगा, सेरेना विलियम्स ने कितने 23 ग्रैंड स्लम जीते हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2017 का फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एस लेबार्टी, ऑप्शन नंबर 2 वियांका एड्रिसू, ऑप्शन नंबर 3 जेलेना ऑस्टापेंको, ऑप्शन नंबर 4 इगा स्वीटेक। चलिए फ्रेंड, विचार कीजिए इस क्वेश्चन को। 2017 का फ्रेंच ओपन, ऐसे ही मैंने 2017 से 2020 के जितने भी पुरुष ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं उनका भी एक वीडियो बनाया फ्रेंड, उसको भी देख लीजिएगा 2017 से 2020 तक का। चलिए फ्रेंड, 2017 का फ्रेंच ओपन ये पूछा गया है आपसे, आपको बताना है कि किसने जीता। सोच लिया होगा फ्रेंड, चलिए अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 जेलेना ऑस्टापेंको। याद रखिएगा फ्रेंड, जेलेना ऑस्टापेंको, इन्होंने 2017 का फ्रेंच ओपन जीता था। ये फ्रेंड किस कंट्री से हैं? तो ये लेटविया, ये लेटविया से हैं। ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा, आपसे कंट्री भी पूछ सकता है जेलेना ऑस्टापेंको किस देश की खिलाड़ी हैं, तो फ्रेंड ये लेटविया की हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। 2017 का फ्रेंच ओपन जेलेना के ऑस्टापेंको, और ये किस देश से? लेटवेनिया, सेरेना विलियम्स, यूनाइटेड स्टेट्स से। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। 2017 का विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड। पहला ऑप्शन है कैरोलिन बोंजियानिकी, ऑप्शन नंबर 2 मारिया सोरापोवा, ऑप्शन नंबर 3 गार्बिन मुगुरुजा, ऑप्शन नंबर 4 वेनस विलियम्स। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। 2017 का विंबलडन, ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया कैरोलिन बोंजियानिकी, ऑप्शन नंबर 2 मारिया सोरापोवा, ऑप्शन नंबर 3 गार्बिन मुगुरुजा, ऑप्शन नंबर 4 वेनस विलियम्स।
चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखिए। तो फ्रेंड इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 गार्विन मुर्गोजा। ठीक फ्रेंड, गार्विन मुर्गोजा आपको ध्यान रखना है, ये 2017 के विंबलडन चैंपियन थे। ये किस देश से संबंधित है फ्रेंड? तो ये स्पेनिश मूल के हैं। ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा कहाँ के? स्पेनिश। ये स्पेनिश खिलाड़ी हैं गार्विन मुगुर्जा, याद रखिएगा फ्रेंड, 2017 के विंबलडन चैंपियन गार्विन मुगुर्जा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, 2017 का यूएस ओपन का खिताब निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन दिए गए आपको, 1 सिमोन हॉलेप, ऑप्शन नंबर 2 सोफिया कैनिन, ऑप्शन नंबर 3 किम क्लिस्टर्स, ऑप्शन नंबर 4 स्लोन स्टीफन। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? सोचना है आपको और विचार करना है। 2017 का यूएस ओपन, सिमोन हॉलेप, सोफिया कैनिन, किम क्लिस्टर्स या फिर स्लोन स्टीफन। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 स्लोन स्टीफन। स्लोन स्टीफन इसका सही जवाब है, 2017 की यूएस ओपन स्लोन स्टीफन ने जीता। ये फ्रेंड अंतिम ग्रैंड स्लम होता है किसी भी ईयर का, टेनिस ईयर्स 4 ग्रैंड स्लम होते हैं, उसका अंतिम है यूएस और प्रथम ऑस्ट्रेलियन ओपन। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं स्लोन स्टीवन की, ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो फ्रेंड ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्लोन स्टीवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक बार रिविजन कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था फ्रेंड? सेरेना विलियम्स 2017 का, फ्रेंच ओपन जेलेना ओस्टापेंको, विंबलडन गार्विन मुर्गोजा और यूएस ओपन स्लोन स्टीवन, याद रखेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, 2018 में पहुंच गए, ये 2018 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, ऑप्शन 1 कैरोलिन बोजिनियाकी, ऑप्शन नंबर 2 मारिया शारापोवा, ऑप्शन नंबर 3 एंजेलिक कर्बर, ऑप्शन नंबर 4 नाओमी ओसाका। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 2018 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन निम्नलिखित में से किसने जीता? सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, 2018 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ये फ्रेंड पहला ग्रैंड स्लम होता है, ये भी आपको देखना, और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 कैरोलिन बोजिनियाकी, याद रखेंगे फ्रेंड, 2018 का ऑस्ट्रेलिया ओपन कैरोलिन बोजिनियाकी ने जीता। ये फ्रेंड किस देश की है? तो ये एक डेनिश खिलाड़ी हैं, ये डेनमार्क की हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कैरोलिन बोजिनियाकी ये डेनमार्क की हैं, याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, चले 2018 का फ्रेंच ओपन किसने जीता? सोचिए फ्रेंड, 2018 का फ्रेंच ओपन किस महिला खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मोनिका सेलेस, ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 2 क्रिस एबर्ट, ऑप्शन नंबर 3 सिमोन हालेप, ऑप्शन नंबर 4 स्लोन स्टीफन। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए, 2018 का फ्रेंच ओपन, सोचिए फ्रेंड किसके द्वारा जीता गया? मोनिका सेलेस, क्रिस एबर्ट, सिमोन हालेप या फिर स्लोन स्टीफन। सोचिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 सिमोन हॉलेप। सिमोन हॉलेप ने 2018 का फ्रेंच ओपन जीता था, ये किस देश की खिलाड़ी है फ्रेंड? आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किस देश से संबंधित है, तो ये रोमानिया की है सिमोन हॉलेप। ओके
2018 का फ्रेंच ओपन सिमोन हालेप ने जीता था और ये रोमानिया के हैं। याद रखिएगा फ्रेंड इनके बारे में। अगला क्वेश्चन, 2018 का विंबलडन किसने जीता? ये क्वेश्चन है फ्रेंड, 2018 का महिला सिंगल्स का विंबलडन खिताब किसने जीता? ऑप्शन वन दिया गया आपको एंजेलिक कर्वर, ऑप्शन नंबर टू कैरा ब्लैक, ऑप्शन नंबर थ्री स्टेफी ग्राफ, ऑप्शन नंबर फोर सेरेना विलियम्स। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, 2018 का विंबलडन किसने जीता? एंजेलिक कर्वर, कैरा ब्लैक, स्टेफी क्राफ्ट या फिर सेरेना विलियम। सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, एंजेलिक कर्वर। एंजेलिक कर्वर इन्होंने विंबलडन जीता था, याद रखेंगे फ्रेंड। एंजेलिक कर्वर में विंबलडन जीता था। चलिए फ्रेंड, और ये किस देश से संबंधित है? तो ये जर्मनी की है, कि एक जर्मन खिलाड़ी है एंजेलिक कर्वर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, 2018 का यूएस ओपन किस महिला खिलाड़ी ने जीता? सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अच्छे से विचार कीजिए। 2018 का यूएस ओपन, ऑप्शन वन दिया गया आपको मार्टिना हिंगिस, ऑप्शन नंबर टू नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर थ्री एशले बार्टी, ऑप्शन नंबर फोर सिमोन हालेप। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कि 2018 का अंतिम ग्रैंड स्लम किस महिला खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन वन मार्टिना हिंगिस, ऑप्शन नंबर टू नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर थ्री एशले बार्टी, ऑप्शन नंबर फोर सिमोन हालेप। चलो फ्रेंड अब इसका जवाब देखिए, तो इस फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, नाओमी ओसाका। याद रखेंगे फ्रेंड, 2018 का यूएस ओपन नाओमी ओसाका ने जीता था, और ये किस देश की है? तो ये जापान की है। चलो फ्रेंड 2018 के देख लेते हैं हमने महिला सिंगल्स किसने किसने जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? कैरोलिन बोनिया की, और ये कहाँ की? डेनमार्क की। फ्रेंच ओपन सिमोन हालेप ने जीता और ये रोमानिया की है। विंबलडन ये जीता था एंजेलिक कर्वर ने और ये कहाँ की? जर्मन की। और यूएस ओपन किसने जीता फ्रेंड? तो नाओमी ओसाका, और ये कहाँ की? जापान की। याद रखेंगे फ्रेंड। अगले कैलेंडर ईयर में चलते फ्रेंड, 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? ये दिया गया फ्रेंड, 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन नंबर वन नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर टू एशले बार्टी, ऑप्शन नंबर थ्री कैरा ब्लैक, ऑप्शन नंबर फोर वेनस विलियम्स। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका फ्रेंड सही जवाब ऑप्शन नंबर वन, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने जीता था, याद रखेंगे फ्रेंड। और ये किस देश की है? तो ये जापान की है। 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने जीता था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, 2019 का फ्रेंच ओपन किसने जीता? ये दिए गए ऑप्शन फ्रेंड, पहला ऑप्शन मार्टिना हिंगिस, ऑप्शन नंबर टू सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर थ्री क्रिस एवर्ट, ऑप्शन नंबर फोर एशले बार्टी। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, 2019 का फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, ये फ्रांस के पेरिस शहर में। याद रखेंगे फ्रेंड, मार्टिना हिंगिस, सानिया मिर्जा, क्रिस एवर्ट, एशले बार्टी। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखिए, 2019 का फ्रेंच ओपन किसने? ऑप्शन नंबर फोर एशले बार्टी इसका सही जवाब है। ये फ्रेंड किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको ध्यान रखना है आपको कंट्री भी, जो भी आपसे पूछ सकता है फ्रेंड।
चले फ्रेंड अगला क्वेश्चन 2019 का विंबलडन किसने जीता, ये पूछा गया है 2019 का विंबलडन किसने जीता। ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, ऑप्शन वन कैरोलिन वोजनियाकी, ऑप्शन नंबर टू बियांका एड्रिसू, ऑप्शन नंबर थ्री सिमोन हालेक, ऑप्शन नंबर फोर नाओमी ओसाका। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब देखिए, तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री सिमोन हालेप। याद रखना है आपको सिमोन हालेप, इन्होंने 2019 का विंबलडन जीता था। और ये किस देश की हैं, तो ये रोमानिया की हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 2019 का यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता किसने जीती। ऑप्शन वन दिया गया आपको मोनिका सेलेस, ऑप्शन नंबर टू कैरा ब्लैक, ऑप्शन नंबर थ्री स्लोन स्टीफन, ऑप्शन नंबर फोर बियांका एड्रिसू। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। दो हजार उन्नीस का यूएस टेनिस टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट में खेला जाता है फ्रेंड, ये न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। मोनिका सेलेस, कैरा ब्लैक, स्लोन स्टीफन या फिर बियांका एड्रिसू, सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका जवाब देखिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर फोर बियांका एड्रिसू। इन्होंने 2019 का यूएस ओपन का खिताब जीता था, इन्होंने 23 बार की चैंपियन किसको फ्रेंड सेरेना विलियम्स को हराया था 2019 का यूएस ओपन का खिताब। और ये किस देश की हैं, तो ये कनाडा की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बियांका एड्रिसू कनाडा की। चलिए फ्रेंड इधर की देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 किसने जीता, नाओमी ओसाका ने, आपको ध्यान रखना। फ्रेंच ओपन एसले बार्टी ने, विंबलडन सिमोन हालेप ने, यूएस ओपन बियांका एड्रिसू ने। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, क्वेश्चन है फ्रेंड 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स के हैं फ्रेंड, मेल सिंगल्स के मैंने पहले ही वीडियो बना दिया। ऑप्शन वन दिया गया आपको स्टेफी ग्राफ, ऑप्शन नंबर टू दिया गया ऑस्ट्रोपेन का जेलेना ऑस्ट्रोपेन का, ऑप्शन नंबर थ्री सोफिया कैनिन, ऑप्शन नंबर फोर मारिया सारापोवा। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर थ्री सोफिया कैनिन, इन्होंने 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। ये किस देश की हैं, तो फ्रेंड ये अमेरिका की हैं, सोफिया कैनिन इनका नाम है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या। यूएस ओपन 2020 किसने जीता, ये है फ्रेंड यूएस ओपन 2020। फ्रेंड ये 2020 कोरोना की वजह से इसमें सारा टेनिस का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से विंबलडन इसमें हो नहीं पाया था, और यूएस ओपन पहले हुआ उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ था। तो क्वेश्चन है फ्रेंड यूएस ओपन 2020 किसने जीता। ऑप्शन वन दिया गया आपको नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर टू क्रिस एवर्ट, ऑप्शन नंबर थ्री क्रिम क्रिस्टस, ऑप्शन नंबर फोर मोनिका सेलेस। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सोच लिया होगा फ्रेंड, अब इसका सही जवाब देखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन नाओमी ओसाका।
ये कहाँ के, जापान की है। इन्होंने US ओपन 2020 का खिताब जीता है। आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड कि ये किस देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? सोचिए फ्रेंड, क्ले कोर्ट में खेला जाता है ये, फ्रांस के पेरिस शहर में। ऑप्शन वन दिया गया आपको क्रिस एबर्ट, ऑप्शन नंबर टू इगा स्वीटेक, ऑप्शन नंबर थ्री मारिया क्रिलेका, ऑप्शन नंबर फोर नाओमी ओसाका। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। सोचिए 2020 फ्रेंच ओपन का खिताब किसने? चलिए फ्रेंड अब इसका जवाब देख लीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू इगा स्वेटेक, इसका सही जवाब है। याद रखेंगे फ्रेंड 2020 का फ्रेंच ओपन इगा स्वेटेक। फ्रेंड आपको ध्यान रखना है 2020 में केवल 3 ग्रैंड स्लैम हुए थे, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन और फ्रेंच ओपन। विंबलडन इस बार नहीं हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे टाल दिया गया था COVID-19 की वजह से। और इस बार US ओपन पहले हुआ था, उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ था, आपको यह भी ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा निम्नलिखित में से ग्रैंड स्लम 2020 में नहीं खेला गया? तो फ्रेंड हो गया है विंबलडन। चलिए फ्रेंड याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, तो ये सोफिया केनिन ने जीता, US ओपन नाओमी ओसाका ने, और फ्रेंच ओपन इगा स्वीटेक, ये आपको ध्यान रखना। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।